अस्सलाम वालेकुम क्लास, आई होप कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। अच्छा, अब मैं आज जो है आप लोगों को स्टैंजा नंबर 2 के ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, ठीक है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी पिक्चर डाल दी है पूरे स्टैंजा नंबर 2 की, सही है, जिसके अंदर पूरी पोएट्री लिखी हुई है। ब्लू कलर से जो है वो हमारे पास ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, सही है, और जो रेड कलर है उसके बिल्कुल नीचे एग्जैक्टली वो मैंने उर्दू के अंदर मीनिंग लिखी है कि एग्जैक्टली पोएट क्या समझा रहे हैं पोएट्री में, ठीक है। हमारी पहली वाली वीडियो में, इससे पहले जो मैंने पार्ट 1 में वीडियो करी थी सॉलिटरी रीपर के ऊपर, उसके अंदर मैंने आप लोगों को पोएट्स के ऊपर एक पोएट पे एक नोट लिखवाया था, ठीक है, दैट हु वाज विलियम्स वर्डवर्थ। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि सॉलिटरी रीपर का मीनिंग क्या है। इसके अलावा मैंने आपको पूरे स्टैंजा 1 जो है वो एक्सप्लेन किया था, ऑलराइट, और मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि एग्जैक्टली सर विलियम्स वर्डवर्थ ने ये पोएट्री लिखी क्यों थी, राइट। सो आप काइंडली एक दफ़ा मेरी वीडियो पार्ट 1 वाली जो वीडियो है उसको एक दफ़ा देख के फिर स्टैंजा 2 की वीडियो को वापस देखिए, ताकि आप लोग का एक दिमाग भी रीकैप हो जाए, सही है। स्टैंजा 2 को लेट मी रीड इट आउट टू यू, और मैं साथ ही साथ उसको समझाती रहूँगी कि स्टैंजा 2 के अंदर पोएट्स ने एग्जैक्टली क्या कहा है, ठीक है। राइट, स्टैंजा नंबर 2 स्टैंजा इज ऑल अबाउट कंपेयरिंग द गर्ल्स वॉइस विद द वर्ड्स, ठीक है। अब स्टैंजा 2 जो है, पहले स्टैंजा 1 के अंदर तो बेसिकली पोएट ने सिर्फ ये बताया कि उन्होंने एक लड़की की आवाज़ सुनी और उन्हें उसको अकेले गाते हुए देखा, और उसकी आवाज़ इतनी हसीन और इतनी खूबसूरत थी कि वो पूरी वैली के अंदर जो है गूंज रही थी, ठीक है। अब स्टैंजा 2 के अंदर पोएट ने इस लड़की की आवाज़ को बर्ड्स की आवाज़ के साथ कंपेयर किया है, ठीक है। तो स्टैंजा 2 किस चीज़ के बारे में है? स्टैंजा 2 है कंपेरिजन के बारे में, ठीक है जी। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट। सो नो निटिंगगेल डिड एवर चैंट, अच्छा जी, अब निटिंगगेल जो है वो एक बर्ड का नाम है जिसके अंदर, अब इसका मतलब ये है कि कभी किसी परिंदे ने ऐसे सिंगिंग नहीं करी, राइट। पोएट ये कह रहा है कि कभी भी किसी परिंदे ने ऐसी सिंगिंग नहीं करी। बेसिकली परिंदों की आवाज़ बहुत खूबसूरत होती है, आप सबको पता होगा, अगर आप लोगों ने कोयल की आवाज़ सुनी होगी, चिड़िया की आवाज़ सुनी होगी, इनकी आवाज़ जब ये सुबह के वक्त फजर के टाइम पे ची ची कर रही होती है तो ये इतनी खूबसूरत लग रही होती है, ऐसा लग रहा होता है कि ये गाना गा रही है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे पोएट जो है वो ये बात कह रहे हैं कि कोई किसी परिंदे की ऐसी आवाज़ नहीं है, ऐसी सिंगिंग नहीं है जैसी इस लड़की की आवाज़ है, ठीक है। सेकंड लाइन है इसकी, मोर वेलकम नोट्स टू वेरी बैंड्स, अच्छा इसका मतलब ये है ये आवाज़ इतनी प्यारी आवाज़ है कि इसकी कोई इंतहा नहीं है, राइट। थर्ड लाइन है, ऑफ ट्रैवलर्स इन सम शेडी हॉर्न्स, ट्रैवलर्स जो कि अरेबियन सैंड के अंदर के रास्ते से जाते हैं। अब यहाँ पे वो कंपेयर कर रहे हैं कि ऐसे ट्रैवलर्स जो कि अरेबियन सी के रास्ते से अरेबियन सैंड के रास्ते से जा रहे होते हैं, उन्होंने ऐसी आवाज़ें सुनी होती हैं, और वो इतनी खूबसूरत आवाज़ होती है, इतनी प्यारी आवाज़ है कि आज से पहले हमने ये आवाज़ कभी सुनी ही नहीं, ठीक है। अ वॉइस सो थ्रिलिंग नेवर वॉज हर्ड, यही वाली बात वापस से मैं रिपीट कर दूँ, ऐसी आवाज़ शायद ही किसी ने कभी सुनी होगी। इन स्प्रिंग टाइम फ्रॉम द ककू बर्ड, अब ककू बर्ड जो है वो ये कह रहे हैं कोयल, कोयल को कहते हैं ककू बर्ड, ठीक है। वो ये कह रहे हैं स्प्रिंग के सीजन के अंदर जिस तरीके से कोयल की आवाज़ होती है वो गूंज रही होती है, उसी तरीके से इस लड़की की आवाज़ जो है वो पूरी वैली में गूंज रही है, और वो इतनी खूबसूरत लग रही है कि आज से पहले किसी ने ऐसी आवाज़ नहीं सुनी हुई होगी, और वो इसमें कंपेयर कर रहे हैं इस लड़की की आवाज़ को बर्ड्स की आवाज के साथ, मतलब कि परिंदों की आवाज के साथ, ठीक है। ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सी, ये सी की खामोशी को तोड़ते हुए ये आवाज ऐसी है कि नहीं, कि किसी कोयल की आवाज ऐसी नहीं हो सकती, ठीक है। सी की आवाज को वो क्या कह रहे हैं, मतलब कि अगर आप कभी नोट करें, आप कभी अगर अकेले समंदर पर जाएं तो एक बड़ी खामोशी होती है जिसमें सिर्फ लहरों की आवाजें आ रही होती हैं, और बहुत खूबसूरत वो मंजर लग रहा होता है। तो इस चीज को जो है वो पोएट कह रहा है कि ऐसा लग रहा है कि इसकी आवाज़ इतनी हसीन है कि किसी समंदर के ऊपर अगर हम ऊपर चले जाएं और अगर हम अकेले हों तो वो जो खामोशी होती है समंदर की, वो उस आवाज़ को तोड़ते हुए इसकी आवाज़ जो है वो वहाँ पे गूंजेगी, क्योंकि वो इतनी हसीन है, राइट। अमंग द फॉरेस्ट ही ब्राइट्स, ना ही नाइटगेल इसको कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। और एंड के अंदर पोएट ये कहते हैं कि ना ही ये आवाज़ किसी जो है वो नाइटगेल से कंपेयर की जा सकती है, और ना ही ये आवाज़ किसी कोयल से कंपेयर की जाती है, इतनी खूबसूरत इसकी आवाज़ है। ऑलराइट, सो दैट्स अबाउट इट, ये स्टैंजा 2 था हमारा सॉलिटरी रीपर का, स्टैंजा 1 के अंदर
पोएट ने सिर्फ हमें ये एक्सप्लेन किया कि एक लड़की है जो कि कटिंग कर रही है फसल की, और वो इतना खूबसूरत गा रही है कि पूरी उसकी आवाज़ गूंज रही है। तो स्टैंजा वन जो था वो इंट्रोडक्शन था, ठीक है। स्टैंजा टू जो है वो फोकस करता है कंपैरिजन के ऊपर। कंपैरिजन का मतलब ये कि किसी चीज़ को कंपेयर करना, किसी दो चीज़ों को कंपेयर करना। तो यहाँ पे पोएट जो है उस लड़की की आवाज़ को कंपेयर कर रहे हैं परिंदों की आवाज़ के साथ, क्योंकि परिंदे जब सुबह के वक्त अपनी आवाज़ निकालते हैं तो वो इतनी हसीन और इतनी खूबसूरत होती है कि उनका कोई कंपैरिजन नहीं होता। तो पोएट यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि उससे भी ज़्यादा हसीन और खूबसूरत आवाज़ जो है हमने शायद ही कभी कहीं सुनी होती, जो इस लड़की की आवाज़ है। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। इंशाल्लाह मैं पार्ट थ्री वीडियो बनाऊंगी जिसके अंदर स्टैंजा जो है हमारा स्टैंजा थ्री होगा, राइट। मैंने इस वीडियो के अंदर आपको पिक्चर दी है जो कि स्टैंजा टू की है, पूरे स्टैंजा टू की है, राइट। ब्लू से हमारे पास पोइट्री लिखी हुई है और रेड से पोइट्री का मतलब लिखा हुआ है। इसके साथ साथ मैं आपको एक और पिक्चर मैंने आपको इसके अंदर दी हुई है जो कि है विकैबलरी की, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको स्टैंजा वन की विकैबलरी वीडियो के अंदर दिखाई थी, छोटा सा वर्ड्स मीनिंग थी, उसी तरीके से मैंने आपको स्टैंजा टू के अंदर भी 4 से 5 वर्ड्स जो कि स्टैंजा टू के मुश्किल वर्ड्स हैं उनका मतलब बताया है, ठीक है। काइंडली इसको अपनी कॉपीज के अंदर आप कॉपी करिएगा, ओके। और जो है स्टैंजा टू को भी आप अपने इसको पढ़िएगा, और नीचे जो मैंने आप लोग को मीनिंग बताई है वो भी आप लोग कॉपी करिएगा। इन केस कोई भी ऐसी चीज़ हो जो आपको नहीं समझ में आई हो, आपको अभी भी कोई ऐसी चीज़ हो जो अनक्लियर हो, तो आप काइंडली मुझे विजिट करें स्कूल के अंदर। मैं 10 से 12 बजे के दरमियान में जो है मौजूद होती हूँ, और इंशाल्लाह मैं आप लोग को और ज़्यादा अच्छी डिटेल के अंदर पर्सनली इसको समझा दूँगी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।